तो लास्ट क्लास हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑन द बेस ऑन व्हिच ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट इज शेप, सेकंड पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये तीन पॉइंट हो चुका था। पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर इज नेचर ऑफ द सॉलिड। नेचर मीन्स व्हाट? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को वी से दैट हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड मीन्स व्हाट? देखो जो हम लोग सॉलिड का पांच बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि सॉलिड्स जो होते हैं सॉलिड्स हैव अ रिजिड बॉडी, सॉलिड्स आर रिजिड बॉडी एंड इनकम्प्रेसिबल। ओके, फिर सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट उसमें पढ़े थे कि सॉलिड्स हैव डिफिनिट शेप वॉल्यूम एंड शेप होता है डिफिनिट शेप होता है वॉल्यूम होता है ओके मास होता है डिफिनिट। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है। एंड एक पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर ये फिक्स्ड टू देयर मेन पोजीशन, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर मेन पोजीशन, दे कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। तो ऑल दिस पॉइंट्स आर शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसलिए इसको बोलते हैं दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स। ओके, दीज आर अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज, इसका जो नेचर होता है स्यूडो 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 यू नो फॉल्स फॉल्स सॉलिड। देखो अभी देखो ये जो सॉलिड है क्रिस्टलाइन, इट्स प्लास्टिक, ये हमारा प्लास्टिक है, इट्स सॉलिड, ये सॉलिड है बट इट कैन बी कंप्रेस। तो दिस इज अ सॉलिड बट इट विल नॉट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होना चाहिए, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए, बट प्लास्टिक डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए इसको बोला जाता है स्यूडो सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड बट अमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, इस पर क्वेश्चन भी है, Why glass is considered as super cool liquid? एक important question है NCERT book में। Why glass is considered as super cool liquid? तो उसको आगे मैं continue करूँगा। Compressibility, compressibility means what? Compress कर सकते हैं कि नहीं? तो this is crystalline solids। ये एक iron का container है। This इसको हम compress कर सकते हैं क्या? नहीं। तो this is crystalline। तो this is incompressible। We can say that incompressible or rigid body, incompressible or rigid। But this one is what? Compressible। This one is compressible. Okay, next point is cleavage property. अब ये cleavage property बहुत important है। ये cleavage property is cleavage property means what? Cutting property. When solids are cut with sharp-edged tool. Okay, देखो यहाँ समझो पहले। हम लोग तुम लोग देखे होगे टीवी में टेलीविजन में या फिर कभी रियल लाइफ में भी देखे होगे जो जो वुड फैक्ट्री होता है, लकड़ी का जो फैक्ट्री होता है, लकड़ी के फैक्ट्री अगर कभी देखे हो टीवी में या कहीं पे भी रियल लाइफ में भी देखे होंगे, तो वहां पे बहुत बड़े बंडल ऑफ वुड होता है, लकड़ी होता है, वुड को कट करके लाते हैं जंगल से, उसको लाते हैं और उसको फिर कट करते हैं। तो उसको कट करने के लिए शार्प एज्ड एक मशीन होता है जिसमें एक्स लगा होता है। ओके, अब उसको बीच से जब कट करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, तो ये जो सर्फेस आता है, दिस सर्फेस, ये जो सर्फेस आ रहा है और ये ऐसे सर्फेस आता है मिडल से कट करके, तो ये जो न्यू सर्फेस, दिस सर्फेसेस comes smooth surface, ये जो surface आता है smooth surface आता है, ये rough surface नहीं होता है, this surface come smooth surface, okay? तो what is this? मैं बोलता हूँ, ये what is this cleavage property? The cleavage property is cutting property. तो जब crystalline solid को cut करते हैं with a sharp edged tool, then the newly surface, then they will split into smooth surface. जो newly surface आएगा, जो cut करके new surface आएगा, that will have smooth surface. But amorphous solid ko jab cut karenge sharp edged tool se, then they will split into rough surface. Ye rough surface dega. But in case mein, is case mein ye smooth surface deta hai, smooth surface. To yahan pe likhenge cleavage property. What is this cleavage property? Kya hota hai? Yaad rakhenge cleavage property or cutting property. To is case mein likhenge, in the case of crystalline solid likho. When crystalline solids are cut with sharp edged tool, they split into smooth surfaces, or they give smooth surfaces. Amorphous में लिखेंगे they give rough surfaces, they give rough surface. Okay, ये समझ में आया? तो ये bundle of एक बड़ा सा एक पेड़ होता है ना, पेड़ को जंगल से कट करके लाए, एक log of wood है। अब इसको बीच से कट करते हैं, एक से इसको बीच से कट करेंगे, इसको अच्छे से बीच से saw machine पे इसको डालेंगे और बीच से एकदम स्मूथली कट करेंगे। तो हम देखें कि वो जो सरफेस आता है एकदम प्लेन सरफेस आता है, ये भी क्या होता है? पूरा प्लेन सरफेस आता है। ओके, तो ये saw machine से इसको कट करते हैं, यहाँ से saw machine से ऐसे ऐसे कट करके ये जो सर्फेस आता है स्मूथ सर्फेस, मीन्स वॉट?
Crystalline solids, when cut with sharp edged tool, they will split into to give new smooth surfaces. But amorphous slits में irregular surface मिलेगा. Okay, next. अच्छा, ये property हो गया. Next, anisotropic. Again, anisotropic को मैं अलग से explain करूँगा. But अभी just इस table में लिख लो. This is an isotropic in nature. Or this one is isotropic in nature. अच्छा, इसको मैं अलग से explain करता हूँ. Just अभी write it down. This is anisotropic. This one is amorphous solids is isotropic in nature. Cooling curve. अभी cooling curve क्या है? देखो. अभी इस case में देखेंगे. In the case of crystalline solid में देखेंगे. तो दिस इज टाइम. अगर ये टाइम देखेंगे, एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे और वाई एक्सिस में टेम्परेचर लेंगे. ओके, ये पोर्शन है वाई एक्सिस में टेम्परेचर, एक्स एक्सिस में टाइम. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो था पहले गैस के बाद जैसे जैसे वो टाइम थोड़ा ठंड टेम्परेचर उसका कम होगा और वो टाइम लगेगा तो वो फिर वो फेज चेंज होगा. गैस के बाद लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड के बाद फिर से ऐसा आएगा तो सॉलिड में आएगा. तो दिस इज ए बी सी डी एस है. तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस कर्व है, फिर इसके बाद यह कर्व यहाँ से ऐसे चला गया. तो ये इसको यहाँ पे बना लेंगे, कूलिंग कर्व में इसको यहाँ बनाएंगे. दिस पॉइंट इस कूलिंग कर्व के नीचे में इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो कूलिंग कर्व होते हैं डिसकंटिन्यूअस, ये गैस फेज है, गैस फेज से लिक्विड फेज में चला गया, फिर से सॉलिड फेज में जाएगा. तो दिस बस याद रखेंगे, कूलिंग कर्व में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डिसकंटिन्यूअस कर्व, इसका डिसकंटिन्यूअस होता है. बट इन द केस ऑफ अमॉर्फस के केस में देखेंगे, दिस इज टाइम एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में टेम्परेचर. ये इसको देखेंगे तो इसका जो कर्व होता है कंटिन्यूअस होता है, बिकॉज इट्स ऑफ अमॉर्फस नेचर. इसका जो कर्व होता है कंटिन्यूअस. तो ये कूलिंग कर्व में इस डायग्राम को यहाँ बनाएंगे, कूलिंग कर्व के नीचे, और इसको यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कूलिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखेंगे, कूलिंग कर्व में लिखेंगे इसका जो ग्राफ होता है डिसकंटिन्यूअस, और इस केस में लिखेंगे कंटिन्यूअस. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. नेक्स्ट देखो, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. देखो समझेंगे इसको, पहले समझो उसके बाद बताता हूँ. सपोज ए बी कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो अभी देखो ए बी क्या होगा, ये ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर बी ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर ए फिर बी ऐसे चलता जाएगा. मीन्स व्हाट, अभी देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए. अभी यहाँ से ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, अभी यहाँ पे बी बी आ गया. ओके, फिर ए बी फिर ए बी फिर ए बी फिर ए बी फिर ए ए आ गया. ये पोर्शन, दिस इज द पैटर्न ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड में देखो क्या होता है, इन द केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का पैटर्न है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है. अमॉर्फस में देखो क्या होता है, अमॉर्फस अगर ए बी सपोज कंपाउंड होता है अमॉर्फस का, तो ये ए बी फिर ए फिर बी फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर बी फिर ए. मीन्स व्हाट, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया बी बी, फिर ऐसे ए बी फिर यहाँ पे क्या आ गया ए ए, फिर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे बी बी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दूर दूर तक अरेंजमेंट सही होता है, उसके बाद कुछ डिफेक्ट आएगा या रिपीटेशन होता है. यहाँ पे फिर देखो ए बी 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 ए बी ए बी ए बी बी जाके फिर ए आया. मीन्स व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दूर दूर तक सही है, बहुत दूर के बाद थोड़ा डिफेक्ट आएगा या रिपीटेशन आएगा. ओके, बट इन द केस ऑफ अमॉर्फस ए बी फिर ए फिर बी बी, थोड़ा दूर ही बाद ये रिपीटेशन आ गया, फिर ए बी फिर ए ए रिपीटेशन आ गया, फिर ए बी फिर बी बी. मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दूर दूर तक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सही होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड में दूर दूर तक अगर अरेंजमेंट को देखें तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस द अरेंजमेंट्स आर इन करेक्ट ऑर्डर, उसके बाद उसमें कुछ डिफेक्ट आएगा. बट इन द केस ऑफ अमॉर्फस में देखेंगे थोड़े दूर बाद ही इसमें क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा या रिपीटेशन आना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर. इसमें लिखेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दिस इज यहां पे गिवन हेडिंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर. दिस वन इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दिस वन इज
short range order. Okay, so these are the differences between crystalline and amorphous solids on the basis of these properties. So pehla point tha shape, crystalline solid has regular shape, geometrical shape, regular geometrical shape, amorphous solid has irregular shape. Point number two, melting point. It has a fixed melting point. It does not have fixed melting point and softens over a range of temperature. Point number three, heat of fusion. Iska definite heat of fusion. It does not have amorphous solids. Does not have definite heat of fusion. Point number four, nature. It's a true solids. All the properties. Jo solids ka property hum bachpan se 6, 7, 8 classes jo bhi properties padhte aa rahe hai. Iska sara properties crystalline solids obeys that properties. Therefore, it is known as true solids. But ये amorphous जो होता है ये this does not obey all the properties of solids. Therefore, it is known as pseudo solids or super cooled liquid. Next, compressibility. These are incompressible. A rigid body. Therefore, it is incompressible nature. This can be compressed. ये जो है ना amorphous can be compressed, compressible. और एक cleavage property, cutting property. तो when ये जो crystalline solids ये when they are cut ये cleavage property means what? Cutting property. So when crystalline solids are cut with sharp edge tool, they split to give smooth surface, and amorphous solids they split to give rough surface. Anisotropic in nature होता है. इसको मैं next video में अच्छे से बताता हूँ. Okay, cooling curve. इसका cooling curve होता है discontinuous. बस याद रखेंगे, it has discontinuous cooling curve and this is continuous cooling curve. Okay, order of arrangement of constituent particles. It has long range order. It has short range order. What are those examples of crystalline solids? So, जो भी metals है, all the metallic bodies comes under the example of crystalline solids. Metallic bodies, ionic compounds, ionic solids, metallic solids, ionic solids, covalent solids, molecular solids. All these will come under the example of crystalline solids. What are the examples of amorphous solids? Amorphous solids के examples plastic, rubber, glass, wax. All the polymers will come under the example of amorphous solids. So these are the differences, and ये बहुत important होता है. Why a question होता है? Why crystalline solids are called as anisotropic in nature? So this is one important question. And एक यहाँ पे question यहाँ पे frequently पूछा जाता है. Why glass is considered as super cooled liquid? तो दो question यहाँ पे पूछा जाता है. एक तो differences है, but बहुत कम chances है differences का. दो question important है. Why crystalline solids are called as anisotropic in nature? And second question is why glass is considered a super cooled liquid. So next video में मैं ये दो question को cover करता हूँ. Thank you.